सब्सक्राइब करने के लिए रेड बटन दबाएं और बेल आइकन दबाना ना भूलें। वेलकम टू माय चैनल सक्सेस विद सुधीर कुमार खोबे। उकारांत पुल्लिंग संज्ञा शब्द, इसके उदाहरण हैं भानु, साधु, पशु, तरु, राहु, वायु, शिशु, प्रभु, वेणु, मृत्यु, उरु, शंभु, जंतु, विष्णु, विदु। अब इसमें हम क्या करते हैं, जैसे शब्द दिए हैं, शब्द को हम तोड़ लेते हैं। भानु को हमने तोड़ लिया, भान प्लस उ, ठीक है। तो अब ये जो यू उ है इसमें परिवर्तन होता है लास्ट में, तो अब उ का जो परिवर्तन है वो हम देखेंगे। तो उ का परिवर्तन हम ऐसे याद ना करके ऐसे याद करेंगे पांचों विभक्तियों में। पहले उह उम उना आवे ओह ओह ओ, उह उम उना आवे ओह ओह ओ। अब हम भानु के आपको बताते हैं, भानु 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 ना भानव भानो 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 भानो। अब दूते में उभ्याम 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 वो तो भानु भानु भानुभ्याम 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 भानवो भानवो। अब बहुवचन में अवह ऊन उभि उभ्या उभ्य ऊना उषु तो भानवह भानून भानुभि भानुभ्य भानुभ्य भानूनाम भानुषु। अब इसके और हम एक बार रूप देखते हैं, यानी के उकारांत पुल्लिंग में साधु के सीखे दोबारा से। साधु 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 वह साधुम साधु साधुन साधुना साधुभ्याम साधुभि साधव साधुभ्याम साधुभ्य साधो साधुभ्याम साधुभ्य साधो साधवो साधुना साधो साधवो साधुसु हे साधो हे साधु हे साधव। अब ये आया कैसे है, क्या परिवर्तन हुआ है, तो वो समझते हैं। यानी कि पहले हमने बताया था उह उह अवह, तो प्रथमा में हो गया है साधु साधु साधव। अब द्वितीय में आया था उम ऊन उन, तो साधुना द्वितीय में साधुम साधु साधु साधुम साधु साधुन। अब इसके बाद तृतीय में आया है साधुना साधुभ्याम, तो उन आया है तो साधुना साधुभ्याम साधु भी। चतुर्थी में आया है अवे, तो साधवे आगे है ना साधवे साधवे साधुभ्याम साधुभ्य। अब पंचमी में आया है ओ, तो साधो, क्योंकि हमने बताया था आधा धे है, धे में ओ जुड़ गया, तो साधो साधुभ्याम साधुभ्य। अब षष्ठी में आया है फिर ओ, साधो साधो साधुना, षष्ठी में साधु नाम था। अब फिर सप्तमी में आया ओ वो उषु, साधो साधवो साधो साधवो साधुषु। अब संबोधन में आया है हे साधो हे साधु हे साधु। अब इसमें हम उणा आया है, यानी कि रे के बाद जिसमें अणे आता है, तो सेम सारे रूप ऐसे ही चलते हैं जैसे इसमें चल रहे हैं। परिवर्तन क्या होता है, परिवर्तन केवल तृतीया में, तृतीया के एक वचन, तृतीया के तृतीया विभक्ति एक वचन में और षष्ठी विभक्ति बहुवचन में ने की जगह अणे आता है जब रे। तो गुरु गुरु गुरुव गुरु 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 गुरुणा गुरुभ्याम गुरुभि गुरुवे गुरुभ्याम गुरुभ्य गुरो गुरुभ्याम गुरुभ्य गुरो गुरुवो गुरुणा गुरो गुरुवो गुरुषु हे गुरो हे गुरु हे गुरुवे। यानी कि बाकी सब सेम रहता है। अब इसमें एक जानने वाली बात और है कि यहाँ द्वितीय के बहुवचन में ने का अणे नहीं होता, इसमें ने का नहीं रहता है, चाहे कोई भी, चाहे इकारांत हो उकारांत हो, उसमें रे परिवर्तन नहीं होता। षष्ठी के बहुवचन और तृतीया के एक वचन में परिवर्तन आता है, ने की जगह अणे आता है। तो ये थे हमारे संज्ञा शब्द उकारांत पुल्लिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ यू लाइक माई वीडियो देन लाइक एंड शेयर माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर अपडेट्स। प्लीज प्रेस द बेल आइकन।